बरेली में पूजा बनकर कृष्ण पाल की हुई शबाना, शुद्धिकरण के लिए पूजा उर्फ शबाना ने किया गोमूत्र का सेवन। रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। देश के कई कोनों में अब घर वापसी का सिलसिला तेजी से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है, चाहे प्रेम प्रकरण की बातें हो, चाहे अन्य कोई कारण हो, दिलचस्पी हो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, या अपने धर्म से ऊब गए हो, किसी भी कारण के तहत अब ये घर वापसी का सिलसिला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हाफिजगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अहमदाबाद गांव से एक मामला सामने आया है। शमाना नाम की एक मुस्लिम युवती है जिसका गांव के ही कृष्णपाल नाम के एक लड़के से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच प्यार चल रहा था और कुछ वर्षों से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मुलाकात हुई। जैसे शमाना इसने पूरी जानकारी दी है तो उसके बताए मुताबिक मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ, प्यार होने के बाद में दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम की दीवार दोनों के बीच में खड़ी थी, बकौल कृष्णपाल और शबाना। अंत में कृष्णपाल और शबाना ने हाफिजगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इसी अहमदाबाद गांव में मणिनाथ आश्रम में यहां के महंत से संपर्क किया, उसे हलफनामा दिया और उसके बाद दोनों ने यहां पर सात फेरे लिए। उससे पहले शबाना का शुद्धिकरण किया गया, उसकी घर वापसी कराई गई, हिंदू धर्म में प्रवेश कराया गया। उस दौरान शबाना ने पूरी बात रखी अपनी पूजा बनने के बाद, और पूजा बनने के लिए शबाना ने किस तरह से गोमूत्र का सेवन किया शुद्धिकरण के नियमों के तहत, वो भी उसकी अपनी जबानी सुनिए। देखिए किस तरह से ये पूरा घर वापसी का और प्रेम प्रकरण का मामला है, जिसे लोग कथित तौर पर BLT यानी भगवान लव ट्रैप भी कहते हैं। आपका नाम क्या है? पूजा यादव। इससे पहले क्या नाम था? शबाना। आपके पिताजी का नाम? छोटे। कहाँ की रहने वाली हैं? अहमदाबाद। ये कौन से थाने में पड़ता है? हाफिजगंज। जिला? नहीं, जिला बरेली। जिला बरेली। अच्छा, आपने हमें शपथ पत्र दिए हैं जिसमें कहा गया है कि आप, क्या नाम है इनका? कृष्णपाल जी से प्रेम करती हैं। इन्हें कब से जानती हैं? 8 साल से। 8 साल से। कैसे परिचय हुआ इनसे आपका? ऐसी मुलाकात होगी। एक ही गांव के रहने वाले दोनों लोग? हाँ, एक ही गांव के। फिर ऐसी मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? ऐसे अपने आप लव मैरिज पे रख गई। लव मैरिज पे अपने आप आगे से बरात गए। अच्छा, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है हिंदू धर्म में, कुछ बता सकती हैं? सब कुछ अच्छा लगता है। जब किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करती हैं? अभी तो करते हैं, करेंगे अब। करेंगे, ठीक है। तो आज जो शादी कर रही हैं, अपनी मर्जी से कर रही हैं? अपनी मर्जी से कर रहे हैं। किसी का कोई जोर दबाव तो नहीं है? ना। कोई लोभ लालच दिया हो किसी ने? ना, अपनी मर्जी से। किसी ने डराया धमकाया हो? किसी ने डराया धमकाया। आपकी उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल, ठीक है। आपने कहा शुद्धिकरण कराइएगा हमारा, और ये जो कटोरी में आप देख रहे हैं इसमें गंगा जल है और इसमें गोमूत्र मिला हुआ है जो अंतःकरण की शुद्धि करता है। हमने आप लोगों के ऊपर ही गंगा जल छिड़का, आपने अभी हाथ धोए हैं इसे, अब ये 3 बार आप पियेंगे इसे, ठीक है। लीजिए, पीजिए। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। पियो।